हेलो एवरीवन दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम मिदान्तु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है वेलकम टू आप उसको क्लिक कर सकते हो अगर आपको आराम आराम से लेकिन अगर एग्जाम पास में आपको रिविजन करना है कि इस से क्या एक्चुअली लर्न करना है तो यह वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है जिन बच्चों

इजम्स क्या होते हैं फेमिनिज्म कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म ये सब क्या होता है कास्टिज्म राइट एंड फाइनली जो खिचड़ी है कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट की वो क्या खिचड़ी है किस तरीके से वो सोसाइटी में अपने आप को दर्शाती है ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के ठीक है सो लेट आज बिगिन द फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर सेक्स बायोलॉजिकल होता है कुछ फीचर्स होते हैं बायोलॉजिकल फीचर्स जिससे आप पैदा होते हो और आपको मर्द और आ, औरत के बीच में डिफरेंस कर दिया जाता है मेल एंड फीमेल जेंडर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती है कि क्योंकि आप एक औरत हो तो आपको संस्कारी भी होना चाहिए खाना बनाना भी आना चाहिए बड़ों का ध्यान भी रखना चाहिए और क्योंकि आप एक मर्द हो आप रो नहीं सकते आपको घर के बाहर पैसा कमाना है परिवार के लिए आपको हमेशा स्ट्रांग होना है फिजिकली स्ट्रांग मेंटली स्ट्रांग तो ये एक्सपेक्टेशन समाज आपके ऊपर थोपती है भगवान की दीवी नहीं होती इसको हम बोलते हैं जेंडर डिविजन राइट जेंडर बोलते हैं ये एग्जाम में नहीं आता पर समझना ज़रूरी है क्योंकि एम आ सकता है नाउ वॉट इज सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर जब काम को हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स या जेंडर डिवाइड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है कि जो पब जो प्राइवेट में काम हो रहा है जो घर के अंदर काम हो रहा है हाउस होल्ड वर्क चाहे वो बच्चों का ध्यान रखना हो घर की सफाई हो वो सिर्फ औरत करेगी या औरत विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स वो काम करेगी लेकिन जो बाहर का काम होगा पब्लिक में जो काम होगा जिसमें पैसे कमाए जाते हैं वो काम सिर्फ मर्द करेगा

स्टिक वर्कर्स की तरह यू uh, नो you know, काम करती है वो जैसी मिडिल क्लास औरतें भी काम करती है बट जो हम पैसा लाते हैं उसको ब्रेड अर्निंग पैसा नहीं माना जाता उसको एक्स्ट्रा माना जाता है उसको वैल्यू नहीं दी जाती और उसको नहीं मिलती सो दैट इज योर बेसिक सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर ठीक है अब इसके अगेंस्ट ऑफ कोर्स मूवमेंट शुरू हुए हैं कॉल द फेमिनिस्ट मूवमेंट जो ये मानता है कि चाहे आप मर्द हो या औरत हो दोनों को इक्वल हक इक्वल राइट्स मिलने चाहिए तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के क्या क्या डिमांड्स है पहला रेजिंग ट मतलब कि किया जाता है उनको लोअर लेवल पर रखा जाता है तो औरतों को एक अच्छा लीगल स्टेटस मिलना चाहिए इक्वल स्टेटस और पोलिटिकली भी वुमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जस्ट लाइक मेन दूसरा वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन अब तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सबको मिल गई है लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज है जहां पर औरतों को वोटिंग राइट से वंचित रखा गया है तीसरा उनके करियर और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करना और चौथा सब रेडिकल डिमांड्स जैसे फैमिली लाइफ में भी और जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं तो घर पर भी हम इक्वली अपना काम बांटे राइट ये इस तरीके के कुछ यू नो डिमांड्स है फेमिनिस्ट मूवमेंट के अब इस पार्ट ऑफ द चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आगे जो हम पढ़ने वाले हैं टेशन आप आप को हम बढ़ा सकते हैं क्या डिस्क्रिमिनेशन वुमेन करती है वॉट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज गिवेन टू वुमेन इन लोकल बॉडीजेंडर डिविजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड सपोर्ट स्टेटमेंट तो ये हमने अभी अभी किया, है नाजी पे नहीं होता सोशल एक्सपेक्टेशन पे होता है जैसे घर के काम औरतें नहीं करती उनके काम जो बाहर करते हैं वैल्यू नहीं होता वट इजेंडर डिविजन हाउस इट प्रैक्टिस वर इट कॉन्सिक्वेंसिस ठीक है तो ये हमने थोड़ा कर लिया है थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे राइट सो दिस इज इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी यू कैन गो थ्रू दिस इन अ मोर डिटेल वे टेलीग्राम पे आपको मिलेगा आप क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है वुमेन लैग बिहाइंड मेन इसके बारे में बताओ कैसे वुमेन को इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वो डिसएडवांटेज पोजिशन पे उने उने उन्हें अप्रेस किया जाता है पहला आप लिखोगे लो फीमेल लिटरेसी अगर आप टू सेंसस को देखो तो सिक्सटी वुमेन लिटरेट है और एट्टी जो है मैन लिटरेट है परसेंटेज याद नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो बस इतना लिख सकते हो मेन के कंपैरिजन में कम वुमेन जो है लिटरेट है क्योंकि लड़कियों को ड्रॉप आउट करा दिया जाता है स्कूलों से अगर घर में कम पैसा है तो लड़कों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है और लड़कियों की शादी करा दी जाती है दूसरा रीजन लो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन पेड जॉब्स जो हाईली पेड और वैल्यू जॉब्स है क्योंकि लड़कियों को इतना पढ़ाया ही नहीं जाता तो उनको जॉब्स भी नहीं मिलती और नम प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली वैल्यू जॉब्स बहुत ज्यादा कम है हमारे देश हमारे देश देश में दिस शोज का डिस्क्रिमिनेशन तीसरा अनपेड वर्क ऑफ वुमेन इज नॉट वैल्यूड जो घर में काम करती है औरत उसको वैल्यू नहीं किया जाता रिक्नाइज नहीं किया जाता याद रखो कि आज अगर एक मर्द बाहर काम कर पा रहा है इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि घर में एक औरत है जो बच्चों का रख रही है और घर का ध्यान रख रही है एन इंडियन वुमेन वर्क वर्क वन आवर मोर देन एन एवरेज मैन येट जो उसका अनपेड वर्क है इट इज नॉट रेकग्नाइज एज वर्क इन सोसाइटी चौथा पॉइंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज में क्राइम हेरसमेंट सेक्शुअल यू नो फिज़िकल वायलेंस है वुमेन के अगेंस्ट इन अर्बन एरियाज पांचवा डिस्पेरिटी इन सैलरीज एंड वेजेस फॉर द सेम जॉब डिस्पाइट द फैक्ट कि इक्वल रेन्यूमेशन एक्ट नाइनटीन पास हो चुका है जो बोलता है कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क मिलने चाहिए बोथ फॉर मैन एंड वुमेन डिस्पाइट दैट जो, जो औरतें हैं उनको कम पैसा मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन प्रेफरेंस फॉर सन एंड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन यहाँ पर भी अबॉर्शन इतने ज़्यादा होते हैं सेक्स सेलेक्टिवली कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है एंड इसीलिए हमारा सेक्स रेशियो काफ़ी बुरा है इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेंबर द स्टेटिस्टिक्स याद कर लो राइट right? तो आप शुरू करोगे पूरा यू uh, नो you know, लिखना बाय सेइंग हमारी एक पेट्रियॉरिकल सोसाइटी है जहां पर आदमियों को विच इज रूल बाय द फादर एंड इसीलिए औरतों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है डिसएडवांटेज किया जाता है एंड दे आर ऑप्रेस्ड एंड दीज आर द फॉलोइंग वेज इन विच वुमेन लैग बिहाइंड मैन ठीक है मोस्ट आर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ये छह पॉइंट्स आपको याद कर लेने चाहिए अच्छा इसका सोल्यूशन है हाँ जी इसका सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन अगर आज आप देखो कि औरतों को, औरतों को का सेंट्रल लेजिस्लचर में ट्वेंटी में फोर्टीन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट छुआ था स्टेट लेजिस्लेचर में तो लेस देन फाइव है लोकल गवर्नमेंट में क्योंकि वन थर्ड सीट रिजर्व है इसलिए थर्टी थ्री वुमेन देखी जाती है बट फिर भी वुमेन का परसेंटेज इन पॉपुलेशन काफी

अब आप लिखोगे इसके बारे में बहुत ज्यादा कंसेंसस नहीं था एग्रीमेंट नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लेकिन पहली बार वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हुआ दैट सीक्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट लेवल आल्सो इन द स्टेट असेंबली तो ये लाइन आपको एक्स्ट्रा याद करनी है जो बुक में नहीं है हाउएवर इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत सालों बाद होगा ठीक है अभी नॉट गेटिंग इंप्लीमेंटेड तो ये पार्ट याद रखना राइट right? अब हम आते हैं जेंडर तो जेंडर और आ, पॉलिटिक्स में अब आपको समझ आ गया आपको क्या याद रखना है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वुमेन को क्यों लैग बिहाइंड करती है मेन से और क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का क्या सोल्यूशन है अब हम करने वाले हैं जेंडर एंड कास्ट तो पहले क्वेश्चन आ जाता है कि भाई गांधी जी के क्या व्यूज थे जेंडर और पॉलिटिक्स पे तो गांधी जी ने बोला था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स ही वॉज नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन गांधी जी ने कहा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को आप अलग कर ही नहीं सकते रिलीजन में

एनीवेज फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है कम्युनलिज्म का कम्युनलिज्म क्या है कम्युनलिज्म एक ऐसी विचारधारा झारधारा है जो ये मानता है कि किसी भी सोसाइटी का बेसिक क्राइटेरिया धर्म होना चाहिए मतलब अगर हम आपस में बटे हुए हैं तो धर्म के बेसिस पे बटे हुए हैं किसी भी देश को एक मेजोरिटी रिलीजन को ही रूल करना चाहिए जो इंडिया है अगर यहाँ हिंदू मेजोरिटी में तो हिंदू रूल होना चाहिए और हमको स्टेट इंस्टीट्यूशन यूज करना चाहिए टू एस्टैब्लिश आर मेजोरिटी इसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म ऐसी विचारधारा को बोलते हैं कम्युनलिज्म अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कम्युनलिज्म एवरीडे लाइफ में कैसे दिखाई देता है तो पहला इन एवरीडे बिलीफ में दिखाई देता है जब हम अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं जब हम प्रेजुडिस रखते हैं बाकी सब रिलीजन के अगेंस्ट दूसरा अर्ज टू फॉर्म अ सेपरेट पोलिटिकल यूनिट कभी कभी हम अपने धर्म को इतना ऊंचा मानने लगते हैं बाकी धर्मों से अलग कि हमें लगता है कि हमें अपने धर्म के लिए एक आप सेपरेट स्टेट चाहिए सेपरेट कंट्री चाहिए राइट इसको भी अ फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म बोलते हैं तीसरा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस जब आप धर्म के बेसिस पे लोगों को मोबिलाइज करते हो जो एज ए लीडर आप पॉलिटिकल सिंबल्स यूज करते हो अपील करते हो लोगों को डराते हो कि देखो अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो बाकी धर्म तुम्हें खा जाएंगे इस टाइप का मोबिलाइजेशन को भी हम कम्युनलिज्म कहते हैं चौथा द अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म जब बहुत रायट्स हो जाते हैं सड़क पे लोग आ जाते हैं एक दूसरे के धर्म के लोग आपस में एक दूसरे का सर काटने को रेडी होते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब ये हुआ था इसको बोलते हैं अगली फॉर्म ऑफ ठीक है क्वेश्चन तो आता है आ, ये तो इतना अच्छा सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट कम्युनल हार्मनी अमंग वेरियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया तो ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है कि आपको दिमाग लगाने है और कोई भी पॉइंट लिख लो कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में इससे जो है एक आपस में लोग जो है खुश रहते हैं डिस्क्राइब एनी ये आगे पढ़ेंगे कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स या वॉट डिटे वम्युनलिज्मेक्स इन टेक इन पॉलिटिक्स तो ये कम्युनलिज्म इन कम्यूनलिज्मीडे लाइफ आया तो आपके ये चार पॉइंट है इन पॉलिटिक्स तो हम आगे पढ़ेंगे ठीक है अब हम आते हैं सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री इसको इलेबरेट करो है ना तो इसमें क्या लिखोगे कि भाई इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना हम एक हिंदू कंट्री है ना मुस्लिम कंट्री है ना एलियन कंट्री है हम एक सेक्युलर कंट्री है हम किसी भी एक धर्म को ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते सारे धर्म को निष्पेक्षता इम इंपर, पार्शियली ट्रीट करते हैं राइट सेकेंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सेक्युलर है आर्टिकल 25 टू 28 ये बोलता है कि किसी भी इंसान को अगर वो सिटीज़न है इंडिया का दे हैव द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन वो प्रैक्टिस कर सकता है किसी और के सामने प्रचार कर सकता है और फैला भी सकता है अपना धर्म आर्टिकल 15 एंड 16 बोलता है कि आप धर्म के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट uh, नहीं कर सकते एंड फाइनली धर्म के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में धर्म के नाम पर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी कि हमारे धर्म में इनको लोअर कास्ट माना जाता है छुआ छु, छु, छुआछूत होती थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है इसलिए ऐसे सिचुएशन में सरकार इंटरवीन कर सकता है और ऐसे एक्ट्स को बैन कर सकता है एबॉलिश कर सकता है जो हमारे संविधान के अगेंस्ट जाए ठीक so है सो आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब क्वेश्चन क्या आता है वॉट इज अ अक्यूलर स्टेट एक्सप्लेन फैक्टर्स मेक्स इंडिया स्टेट तो आपके पांच हो गए या क्वेश्चन आ सकता है सेक्युलरिज्म इज इज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टी और पर्सन बट इट द फाउंडेशन ऑफ आर कंट्री एग्जामिन द स्टेटमेंट दोनों ही क्वेश्चन में यही पांच पॉइंट आप दोगे कि हमारे यहां सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे यहाँ ऑफिशियल रिलीजन नहीं है वगैरह वगैरह ठीक है क्लियर

स्वामी नहीं कर उन्होंने काफी मेहनत की अपने राइटिंग्स के थ्रू लोगों के अंदर जागरूकता जगाने के लिए कि कितना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के लिए गलत है दूसरा अर्बनाइजेशन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन अब अर्बनाइजेशन होने लगा शहरीकरण होने लगा अब आप आपको खुद नहीं पता भाई सामने वाले का क्या कास्ट है ऐसे सिनारियों में कास्ट का जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो खुद ही खुद टूट गया है तीसरा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आजकल जो है कोई भी किसी भी तरीके के ऑक्यूपेशन में जा सकता है कास्ट होता था कि भाई अगर आप एक पंडित के बेटे और पंडित बनोगे बन बट आजकल कोई भी वेदांतु का मास्टर टीचर बन सकता है कोई भी डॉक्टर बन सकता है आपको कोई रोक नहीं सकता आप किसी भी कास्ट या रिलीजन के हो इसके वजह से कास्ट का जो स्ट्रेंथ था वो कम हुआ है चौथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लीगली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश कर दिया है लीगल ठहराया है इन सब रीजन के वजह से आप बोल सकते हो कि हमारे देश में जो एक जमाने में रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर हुआ करता था अब वो नहीं रहा बट इसका मतलब ये नहीं कि कास्ट पूरी तरीके से हमारे देश से निकल चुका है अभी भी जब लोग अब शादी कराते हैं अपने बच्चों की तो कास्ट के बेसिस पे कराते हैं अनटचेबिलिटी अभी भी कुछ गाँव में देखने को मिलती है कास्ट uh, ग्रुप्स कुछ कास्ट ग्रुप्स है लोअर कास्ट ग्रुप्स वो अभी भी बाकी सब कास्ट से लाग भी

एज ए सडी चैप्टर से ना कभी कभी टू मार्कर ऐसा आता है जिसमें आपको अपना दिमाग लगा के कुछ भी लिखना है बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जो मैं आपको बता दूंगी

पर उसका इंसान को वो मिनिस्टर मिनिस्ट्री में डालते हैं कास्ट सेंटीमेंट्स आर यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स तो कास्ट सेंटीमेंट्स भी यूज किया जाता है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए लोगों को बोलने के लिए हमें नहीं वोट दिया अगर आपने तो बाकी जो कास्ट है वो आपके ऊपर भारी पड़ेंगे इस तरीके की भाषा भी यूज की जाती है यूनिवर्सल अडाल फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ हैज प्रिंसिपल्ड पोलिटिकल इम्पोर्टेंस दोर क्योंकि हमारे देश में यूनिवर्सल अडाल फ्रेंचाइज है वोट है और हमारे देश में मेजोरिटी लोअर कास्ट की है इसके वजह से जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी महत्वपूर्णता बढ़ गई है इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और उन उनपे भी पोलिटिकल पार्टीज ने ध्यान देना शुरू कर दिया है तो क्वेश्चन अगर आता है वॉट फॉर्म्स कैन कास्ट टेक इन पॉलिटिक्स आपके चार पॉइंट्स हो गए ठीक है अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इलेक्शंस आर नॉट ऑलवेज अबाउट कास्ट इसको इलेबरेट करो कि इलेक्शन सिर्फ कास्ट ही नहीं होते इसको इलेबरेट करो इसके बारे में बोलो तो यहां आप अपने चार पॉइंट्स लिखोगे पहला सिंगल no कास्ट मैंने क्या बोला कि पोलिटिकल कि किसी भी कॉन्स्टिटुएंसी में मेजोरिटी कास्ट कौन सा है और फिर वो कहते हैं कि ठीक है यार कैंडिडेट इस, इस, इस को हम खड़ा करते हैं पर किसी भी कॉन्स्टिट्युएसी में ऐसा नहीं होता कि एक ही सिंगल कास्ट मेजोरिटी में बहुत सारे कास्ट होते हैं और वो सारे कास्ट इलेक्शन रिजल्ट को डिटर्मिन करते हैं तो कास्ट इकलौती एक, एक चीज नहीं हो सकती इलेक्शन को डिसाइड uh, करने वाली दूसरा

पहला पॉइंट है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कास्ट की मेजोरिटी नहीं होती दूसरा ऐसा एक पार्टी के पास सारे वोट्स हो ये भी जरूरी नहीं होता है ना कि सारे यादव मुझसे खुश हो तीसरा मैं अकेली नहीं हूँ जो यादव कैंडिडेट खड़ी की हूँ सबने यादव कैंडिडेट खड़ा किया है जिसकी वजह से वोट्स जो है वो बट जाते हैं चौथा हमारे यहाँ जो है कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स नहीं होती सबसे बड़ा इसका आ, सबसे बड़ा इसका प्रूफ ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन हर बार जो है एक अलग पार्टी जीतती है तो अगर सिर्फ कास्ट के बारे में होता तो हमेशा मुझे जीतता मैं जीतती लेकिन हमारे यहाँ सिटिंग एम और एम एल ए लूजेज इलेक्शन फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी एज द सेम वोटर्स वोट अगेंस्ट हिम है है ना सेम वोटर जो है किसी और को वोट करते हैं अगले इलेक्शन में ये ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं होता बाकी फैक्टर्स भी हमारे यहाँ इलेक्शन डिटरमिन करती है क्या फैक्टर्स हमारे यहाँ इलेक्शन डिटरमिन करती है कास्ट के अलावा देखो हम इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं तो उसका कास्ट शायद देखते हो बट साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी का है कभी कभी हमारी एलिजियंस एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से होती है या पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे हम देखते हैं कि वो कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है कितना उसने हमारे लिए काम किया है पिछले पांच साल में कितना अमीर है कितना गरीब है इन सब के बेसिस पे भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर हमें किसी कैंडिडेट को वोट करना है या नहीं कास्ट इज नॉट द ओनली रीजन जिसके वजह से हम किसी भी कैंडिडेट या पार्टी वो वोट करते हैं अब है खिचड़ी उल्टी पॉलिटिक्स इन कास्ट कास्ट इन पॉलिटिक्स हमने देख लिया कि कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट को यूज किया जाता है बट कास्ट ग्रुप जो आप अकेले बैठे उन वो कैसे पॉलिटिसाइज़ होते हैं उनमें कैसे पॉलिटिक्स आता है पॉलिटिक्स आल्सो इन्फ्लुएंसेस कास्ट और वी कैन से दैट कास्ट आल्सो गेट्स पोलिटिसाइज कैसे पहला Each caste group tries to जो है जुड़ जाते हैं हम एक है। है है, कास्ट हम है हमारी बात सुनो इससे क्या होता है कि पोलिटिकल पार्टी सुननी पड़ती है क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा बहुत बड़े वोट बैंक बन जाते हैं दूसरा कास्ट और कम्युनिटीज जो है कोलिशन बनाते हैं और एक तरीके से नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं सरकार से और इससे क्या हुआ कि नए टर्म्स आ गए हैं पॉलिटिक्स में जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये वाला पार्ट ऑफ द चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट इन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप बस रीड थ्रू कर सकते हो अगर चाहो तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट इस तरीके के टर्म्स काफी पॉपुलर हो गए तो क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट सिस्टम जो तीन पॉइंट्स अभी बोले समटाइम्स इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट इन इंडिया हाउ कैन द दिचुएशन भी अवॉइडेड कहोगे नहीं यार ऐसा होता ही नहीं इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट कास्ट रीजन दे दो द प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स चार पॉइंट्स जो बता रखें राइट right? अब कास्ट इफेक्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स इसका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है पॉजिटिव ये है कि हमारे यहाँ इसके वजह से जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है जो पिछड़े हुए कास्ट है अब उनको जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा वो काफ़ी ज़्यादा वो साथ में आने लगे और एचिटेशन करने लगे अपनी डिमांड्स पूरा करने के लिए डिसएडवांटेज ये है कि देखो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए लोकतंत्र के लिए हेल्दी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ओनली ऑन कास्ट राइट ये इंपॉर्टेंट इशूज से हमारा अटेंशन डाइवर्ट करता है जैसे पॉवर्टी हो गया गरीबी हो गया डेवलपमेंट हो गया करप्शन हो गया कास्ट बेस्ड डिविजन कैन लीड टू टेंशन कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस ठीक है कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस हो सकता है सो दैट इज एंटायर चैप्टर इन आई डोंट नो कितने मिनट्स है ना बट ये आपका पूरा चैप्टर है किस तरीके से आ, ऐसे लैक बिहाइंड करती है उसको इलाबरेट करो दूसरा क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि कैसे कास्ट को पॉलिटिक्स में देखा गया है कैसे कास्ट इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को राइट आर द टू मोस्ट आर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर मैं कुछ छोड़ तो नहीं दियो मोस्ट आर्ज क्वेश्चन पी और तीसरा कि कैसे कास्ट का इन्फ्लुएंस जो है समाज में कम हुआ है तो यू you नो know, उसके सारे रीजन कि भाई जो कास्ट लीडर्स है मोबिलिटी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के वजह से लिटरेसी रेट बढ़ने के वजह से वगैरह वगैरह ठीक है तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आर्ज क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर इस चैप्टर की खासियत ये है कि कभी कभी आपको टू मार्कर आ जाता है जिसमें आपको खुद अपना दिमाग लगाना होता है कुछ भी लिखना होता है तो जनरल पॉइंट्स भी इस चैप्टर के आप याद कर सकते हो कि भाई वुमेन को लिटरेट होना चाहिए फैमिली को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए लड़कियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो अब गया है तो इट इज वेरी क्लोज लिख सकते हो ना कि इट इज अ वेरी गुड स्टेप किस वुमेन इक्वालिटी राइट इस टाइप के जनरल स्टेटमेंट भी आप इन क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो जिससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाए राइट सो दैट इज इट आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलना शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको किसी और चैप्टर चा का वन शॉट चाहिए डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग out bye bye